फ्रेंड्स, आप सबका अपने इस चैनल पर स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले बच्चे, आप सभी के लिए देखिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। वह देखिए, आप इसको जानिएगा तो पूरी तरह से सच में आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपके रिजल्ट में इतनी त्रुटियां अब निकल रही है। जिस पर सीबीएसई ने रिजल्ट निकाला था, उस रिजल्ट में इतनी त्रुटियां निकल रही है, तो देखिए पूरी तरह से क्या मामला है वो मैं आपको दिखाऊं। जैसा मैंने कल रात में भी आपको बताया था कि हाईकोर्ट यानी कोर्ट के द्वारा से भी सीबीएसई को लथाड़ा गया है उनके मार्किंग को लेकर। जब सीबीएसई ने 50% किया था एंड टाइम पे रिजल्ट जब निकाला, उसने 30-70 कर दी। पूरी तरह से हम डिटेल जानते हैं। अभी एक और नया मामला आया है जिसे आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सीबीएसई का मूल्यांकन करने वाले 50 पर्यवेक्षक को चिन्हित किया गया है। जी हाँ, एक दो नहीं 50, जिसमें सीबीएसई 10वीं 12वीं में गलत मूल्यांकन करने वाले 50 पर्यवेक्षक को चिन्हित किया है और बोर्ड ने उसे नोटिस भेज दिया गया है। देखिए कहीं ना कहीं बच्चों का रिजल्ट के साथ इनजस्टिफाइड हुआ है, बच्चे खुश नहीं है, और सही बात है बच्चों का मार्क्स जो है वो ख़राब हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पूरा मामला हम यहाँ पर देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये बता दूं कि जब रिजल्ट निकाला सीबीएसई ने, वो 30-70 के रेशियो में निकाला है, लेकिन यहाँ पर जो देखिए कि उसके बावजूद भी उत्तर मूल्यांकन में लापरवाही किया गया है और अंक नहीं देने का आरोप किया गया है। यानी बच्चे जो एग्ज़ाम में जो लिखे उनके अनुसार उन्हें मार्क्स नहीं मिले, और जिस प्रकार रिजल्ट आया है उससे सैकड़ों छात्र जो है ने आवेदन किया है, और रिजल्ट आया तो 24 से 25 अंक तक बढ़ गए। मैंने एक बार पहले भी वीडियो बताया था जिसमें बहुत से लोग ने बताया था कि ये आप इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, लेकिन स्टूडेंट जब देख लीजिए यहाँ आज फिर इस बात को रिपीट किया गया है। जब बच्चे ने चैलेंज किया था ना, तो वो कितना मांग अंक बढ़ गया, 24 से 25 अंक। बहुत बड़ा डेटा है ये छोटा मोटा अंक नहीं है, लेकिन इस अंक में बढ़ोतरी हुई। तो स्टूडेंट्स, अभी आपको पूरी तरह से ये मैं बता रहा हूँ, सो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटी घर से आप अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपको पूरी तरह से आपको पढ़ाई यहाँ मिल रहा है, सिर्फ पढ़ाई। देखिए रानी ने बढ़ाए 3 विषयों के अंक। देखिए यहाँ पर एक और मामला, अगर आप देखिएगा एक और मामला देखिएगा तो वहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि देखिए यहाँ पर नॉर्डरेट अकाडमी के आर्ट्स के स्टूडेंट सॉल्वी रानी ने 12वें में 96 अंक मिले हैं, 97.6 अंक मिले हैं। छात्र ने 3 विषयों में पुनः मूल्यांकन आवेदन दिया और इन तीनों विषय में 3 से 4 अंक बढ़ गए। देखिए पूरा मूल्यांकन का डिटेल दिया गया है कि किस तरह से उसके अंक बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं सीबीएसई कॉपी को चेक करने में या जल्दबाजी की है और मार्क्स जो है वो बच्चों को पूरी तरह से नहीं मिला है। सो स्टूडेंट्स, आप ज़रूर बताएं, आप कमेंट्स करें यार, वीडियो को शेयर करो, क्योंकि देखिए सारे इन्फॉर्मेशन जो होता है वो आपको सही इन्फॉर्मेशन चैनल पर शेयर किया जाता है। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि सही इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आप पढ़ाई की पूरी मटेरियल प्रोवाइड इस चैनल पर किया जा रहा है। एनसीईआरटी घर का लिंक भी दिया हुआ, उसको सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।